हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल होप एंड लर्न। मैं अंजलि आपको पढ़ा रही हूँ क्लास 11 के अकाउंटेंसी एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से। अभी तक जो हमने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं वो है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। इस वीडियो को देखने से पहले आशा करती हूँ आपने पिछले दो वीडियोस देखे होंगे, और ये जो हमारा वीडियो है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग ये और भी कई पार्ट्स में आएगा, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिल जाए और आप सारी वीडियोस देख पाए। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आप मेरे बोर्ड पे दो टर्म्स देख रहे हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट यानी कि संपत्ति, ऐसी चीज है जिसपे मेरा मालिकाना हक है, वो हो गया एसेट। और लाइबिलिटी जो उधार है जो मुझे चुकानी है किसी को, लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बुक खरीदने गई हूँ, ठीक है, और मैं 500 रुपीज लेकर जाती हूँ और स्टॉल पे जाके मुझे पता चलता है कि वो बुक तो 550 रुपीज की है, तो मैं क्या करूंगी, 500 रुपीज तो शॉपकीपर को दे दूंगी और 50 रुपीज क्या बोलकर आऊंगी कि मैं भैया आपको शाम तक चुका देती हूँ। तो ये 50 रुपीज जो कि मुझे मुझ पर उधार है, मुझे चुकानी है शॉपकीपर को, वो हो गया लाइबिलिटी, ठीक है। और जो बुक जो मैंने खरीद ली है जिसपे अब मेरा हक है, वो हो गया हमारा एसेट, ठीक है। अब बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस अगर स्टार्ट करना हो तो उसमें एसेट भी होती है, लाइबिलिटीज भी होती है। तो अब समझते हैं कि बिजनेस में एसेट क्या होता है और लाइबिलिटी क्या होता है। तो एक बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि हमें बिजनेस प्लेस जहां करना है, जहां हम अपना बिजनेस लगाएंगे, एक जगह की जरूरत होगी। उस बिजनेस में मशीन्स की जरूरत होगी जो हमारे गुड्स को मैन्युफैक्चर करेगा। फिर उस मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को मार्केट तक लेके जाने के लिए एक व्हीकल की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज हम एक बिस्किट फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो बिस्किट फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए क्या क्या लगेंगे, पहले तो हमें लैंड लगेगा, ठीक है। उस लैंड पे हम कंस्ट्रक्शन हो सकता है पहले से हो या करवाएंगे जिसपे कि हम वो बिजनेस सेटअप करेंगे। दूसरी चीज हमें क्या लगेंगी, मशीन्स लगेंगी, ठीक है, जिससे बिस्किट मैन्युफैक्चर होगा। उसके बाद क्या होगा, हमें एक व्हीकल भी चाहिए, सपोज कि ट्रक हो सकता है, वैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि हमारे प्रोडक्ट को मार्केट तक लेके जाएगा, ठीक है। लेकिन इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए, हमें पैसे चाहिए, हमें क्या चाहिए, मनी चाहिए। मनी होगी तभी हम ये सारी चीज ले सकते हैं और हमारा बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कि ये बिस्किट की फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए हमें टोटल 50 लाख रुपीज चाहिए। कितने चाहिए, 50 लाख, ठीक है। उस 50 लाख रुपीज में से सपोज मेरे पास आई हैव 20 लाख रुपीज, ठीक है, तो अब क्या होगा, बाकी के 30 लाख रुपीज भी मुझे कहीं ना कहीं से जुगाड़ तो करने ही पड़ेंगे ताकि मैं ये सारा सब कुछ अरेंज कर पाऊं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाऊं, ठीक है। तो अब ये 30 लाख रुपीज हम कहां से लेंगे, इसके कई ऑप्शन है। हो सकता है हमारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हमारा हेल्प कर दे, या हम जा सकते हैं बैंक के पास लोन लेने, ठीक है। तो अब सपोज हमने बैंक से लोन भी ले लिया, ये 50 लाख रुपीज में से 20 लाख रुपीज तो मेरे हैं, पर ये 30 लाख रुपीज जो है ये तो हमें बैंक को धीरे धीरे करके चुकाने होंगे। तो ये क्या हो गया, ये मुझ पे उधार हो गया। तो ये जो बैंक से हमने लोन लिया था ये क्या आ गया, 30 लाख रुपीज का ये हो गए हमारे लाइबिलिटीज, ठीक है। सपोज अब हमने पैसे ले लिए, ठीक है, पैसों का जुगाड़ हो गया, अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास लैंड नहीं है, सबसे पहले हमें लैंड खरीदेंगे। सपोज लैंड खरीदने में ही हमें 10 लाख रुपीज लग गए, ठीक है। मशीन सारे आ जाएंगे 5 लाख रुपीज में या 15 लाख रुपीज में, कितने हो गए हमारे 25, तो इधर ही हो गए, ठीक है। सपोज व्हीकल आ जाएगा हमारा 10 लाख रुपीज का, एक ट्रक ले लिया हमने, हो गए 25-35 लाख, और बाकी के बचे 15 लाख रुपीज। ये 15 लाख रुपीज भी हमें जरूरत है ताकि हम बिजनेस को चलाने के लिए जो हमारी रोज की जरूरत है, रॉ मटेरियल्स मंगाने होते हैं, इंस्टॉलमेंट में खर्च लगेगा,
जो लैंड पे हम बिल्डिंग बनाएंगे उस पर खर्च रहेगा, इन सब के लिए। ठीक है, तो एसेट क्या होगा? एसेट ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज है हमारे बिजनेस की जो कि मदद करती है हमारे बिजनेस को आगे बढ़ने में, फ्लरिश करने में और हमको इंटरेस्ट लौटाने में। ठीक है, इंटरेस्ट यानी कि रिटर्न्स, यहाँ इंटरेस्ट का मतलब है रिटर्न्स, जो कि हम जो भी पैसा लगा रहे हैं बिजनेस करने के लिए, क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें प्रॉफिट कमाना है, ये प्रॉफिट तो हमारा रिटर्न हुआ ना। तो ये जो हमारे एसेट है, एसेट यानी कि ऐसी रिसोर्सेस, जैसे कि यहाँ पे हमारा आ गया लैंड, मशीन एंड ट्रक, ये सब क्या हो गए? हमारे एसेट हो गए, जो कि हेल्प करेंगे मेरे बिजनेस को बढ़ने में, हमारे गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में, उसे बेचने में, और हम उससे क्या कमाएंगे? प्रॉफिट कमाएंगे। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लैंड हमारे हो गए 10 लाख रुपीस का, मशीन 15 लाख रुपीस का, और व्हीकल हमारा 10 लाख रुपीस का, 10 लाख रुपीस का आ गया। और यहाँ पे टोटल कितना था? ये जो पैसे मेरे हैं जो मैंने खुद लगाए हैं बिजनेस में, उसे हम कहते हैं ओनर्स इक्विटी। उसे हम क्या कहते हैं? ओनर्स इक्विटी। ठीक है, मतलब जो एसेट के ऊपर ओनर का अधिकार होता है वो होती है ओनर्स इक्विटी। इस ओनर इक्विटी के अंदर भी दो क्लासिफिकेशन होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा कैपिटल। ठीक है, कैपिटल मतलब जो पैसे मैंने लगाए हैं, जो कि है 20 लाख रुपीस। ठीक है, और एक आता है रिजर्व। रिजर्व्स के बारे में हम बाद में ज्यादा चर्चा करेंगे, शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। रिजर्व क्या होता है कि जब भी हम बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, तो उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा जो है ना, हम बचा लेते हैं और अपने बिजनेस में रखे रहते हैं कि पता नहीं कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए। ठीक है, तो ये जो पैसे हम बचा के बिजनेस में वापस रखते हैं, ये आते हैं रिजर्व के अंदर। इसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग भी कहा जाता है। तो ओनर्स इक्विटी के अंदर आगे हमारा कैपिटल और रिजर्व, जो कि अभी अगर स्टार्टिंग है आपके बिजनेस का, फर्स्ट ईयर है, तो रिजर्व नहीं होगा। बस मैंने आपको ये दो हेड आते बता दिया। अब इसके बाद आती है लाइबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर्स इक्विटी। क्रेडिटर्स इक्विटी मतलब क्रेडिटर्स यानी कि वो लोग जिन्हें हमें पैसे चुकाने हैं। हमने सामान ले, गुड्स ले आए हैं हम, और हमें पैसे चुकाने हैं, तो जिन्हें हम पैसे चुकाएंगे वो हो गए हमारे क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स इक्विटी के अंदर उन लोगों के नाम आएंगे जिन्हें हमें पैसे चुकाने हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि हमने बैंक से लोन ले लिया है 30 लाख रुपीज का। ठीक है, तो ये आगे क्रेडिटर इक्विटी के अंदर हमें बैंक को 30 लाख रुपीज चुकाने हैं। ये मैं लाइबिलिटीज के अंदर लिख रही हूँ। क्यों? लाइबिलिटीज का मतलब मैंने बताया था कि जो उधार है मुझ पर वो मैं लाइबिलिटीज के अंदर लिखूंगी। ठीक है, तो ये तो 20 लाख रुपीज मुझ पर उधार नहीं है, पर मैंने इसको लाइबिलिटी के अंदर क्यों लिखा? इसे कहते हैं एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, एंटिटी का मतलब क्या होता है कि बिजनेस जो होता है ना, उसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। कहने का मतलब है कि मैं और मेरा बिजनेस जो है ना, ये दोनों अलग अलग लोग हैं। ठीक है, पैसे मैं लगा रही हूं बिजनेस में, पर बिजनेस की अब ये जिम्मेदारी बनती है कि वो मुझे मेरे पैसे कमाकर वापस करे। ठीक है, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया? पैसे मैंने लगाए, पर बिजनेस के लिए क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई, क्योंकि ये पैसे बिजनेस की जिम्मेदारी है कि वो मुझे वापस करे। इसलिए कैपिटल जो है ना, मैंने लायबिलिटीज के अंदर लिखा। ये कैपिटल हम लायबिलिटीज के अंदर ही लिखते हैं, और बाकी वो सारे अमाउंट लिखते हैं जो कि हमें और आगे चुकाने हैं। ठीक है, और एसेट क्या हो गया? एसेट हमारे 10 लाख के, मशीन 15 लाख की, ट्रक 10 लाख के, तो हो गए हमारे 10, 20, 30, 35 लाख रुपीज। और मान लीजिए और भी कुछ हमारे और भी कुछ लगेंगे 35, तो ये हो गया 15 लाख रुपीज के। हमें और भी बहुत सारे सामान लगेंगे, मशीन इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ मिला के। ठीक है, तो ये जो एक फॉर्मेट है ना, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जो कि ईयर के एंड में बनाया जाता है किसी बिजनेस में, हर ईयर के एंड में, ताकि बिजनेस की पोजीशन जो है वो हमें पता चले। तो अब एक चीज देखिए, एसेट और लायबिलिटी, हमेशा सोचिए कि मैं 10,000 रुपीज अगर पर मंथ कमाती हूँ फॉर एग्जांपल,
तो क्या मेरे एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज से ऊपर जा पाएंगे? नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हमारा जितना इनकम होगा हम या तो उतना खर्च कर देंगे, उतना ही हमारा एक्सपेंडिचर होगा, या हमारे इनकम के बराबर हमारा एक्सपेंडिचर और कुछ पैसे अगर मैंने बचा लिए। फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज मैं कमाती हूँ, 7,000 रुपीज मेरे खर्च हो गए, ठीक है, बचे कितने 3,000 रुपीज जो कि मैंने सेव कर लिए। तो मेरे इनकम का बराबर क्या हो गया? मेरे एक्सपेंडिचर और मेरे सेविंग। वैसे ही हमारे एसेट जो है, हमारी संपत्ति जितनी होगी उतना ही हम खर्च कर पाएंगे। हमें उधार जो उतना ही चुकाना हो उतना ही हमारे ऊपर उधार होगा, जो चीज हमने ली है उतना ही उधार हमारे ऊपर होगा। तो इससे एक अकाउंटिंग इक्वेशन सामने आता है कि एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल या तो ओनर्स इक्विटी, जो आप कह सकते हैं, ठीक है। ये एक अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मतलब एसेट साइड का जो वैल्यू होगा ये हमेशा इक्वल होना चाहिए लायबिलिटी साइड के बैलेंस से, तभी हम समझेंगे कि हमारा ये जो हमने डेटा दिया है ये सही है। अगर ये दोनों बैलेंस मैच नहीं करते हैं, इसका मतलब हमारा डेटा सही नहीं है। शुरू करते हैं हम अपने एसेट क्लासिफिकेशन से। एसेट दो टाइप्स के होते हैं, ऑफ टू टाइप्स, नॉन करेंट एसेट एंड करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट एंड करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट ऐसे एसेट जिन्हें हम एक साल से ज्यादा, मोर देन वन ईयर यूज करते हैं, वो हमारे आ जाते हैं नॉन करेंट एसेट में। करेंट एसेट ऐसे एसेट जो विद इन अ ईयर हम जिसे कैश में कन्वर्ट कर देते हैं सेल करके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने बात की थी बिस्किट फैक्ट्री की। अब बिस्किट फैक्ट्री के लिए जो हमने लैंड यूज किया है, मशीन्स यूज की है, क्या हम उसे एक साल के अंदर बेच देंगे तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा? हम उसे मोर देन वन ईयर यूज करते हैं, कई सालों तक यूज करते हैं, ठीक है। तो जो भी एसेट जो हम मोर देन वन ईयर यूज कर सकते हैं, जो हमें मोर देन वन ईयर सर्व करते हैं, वो आ जाते हैं हमारे नॉन करेंट एसेट के अंदर। और करेंट एसेट जैसे कि हमने जो बिस्किट मैन्युफैक्चर कर दिए उसे तो हम एक साल तक जमा करके नहीं रखेंगे, जैसे ही मैन्युफैक्चर होगा हम उसे तुरंत कोशिश करते हैं कि वो मार्केट तक जाए और उसके बदले हमें पैसे मिल जाए। तो हमने क्या किया, विद इन वन ईयर हमने अपने एसेट को कैश में कन्वर्ट कर लिया, ये हो गए हमारे करंट एसेट, ठीक है। अब हम और डीप क्लासिफिकेशन में जाएंगे। वैसे तो एसेट का क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा है पर बहुत इंटरेस्टिंग भी है, तो एक एक करके हम समझते हैं, ठीक। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन करेंट एसेट की, ठीक है। हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे नॉन करेंट एसेट, यानी कि ऐसे एसेट जिसे हम मोर देन वन ईयर यूज कर रहे हैं, जो हमें मोर देन वन ईयर यूज हमें सर्व करता है और हम इसे कैश में कन्वर्ट तुरंत नहीं करते हैं, आफ्टर वन ईयर, मिनिमम आफ्टर वन ईयर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नॉन करेंट एसेट के अंदर आ जाता है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट ऐसे एसेट होते हैं जो कि परमानेंट है हमारे बिजनेस पे। फॉर एग्जांपल जो हमारा लैंड हो गए, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गए, हमारे ऑफिस में जो फर्नीचर है, ऐसे एसेट को हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट, जिन्हें हम छू सकते हैं, हम देख सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ जिन चीजों को हम छू सकते हैं या देख सकते हैं वही हमारे फिक्स्ड एसेट के अंदर है। फिक्स्ड एसेट के अंदर भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। फिक्स्ड एसेट के अंदर आ जाता है सबसे पहले टैंजिबल एसेट। टैंजिबल एसेट यानी कि ऐसे एसेट जिन्हें कि हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि हमारा लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए एग्जांपल, जैसे कि हमारी बिल्डिंग, ठीक है, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। इनटेंजिबल एसेट यानी कि ऐसे एसेट जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते। जैसे कि अभी अगर एक बहुत ही फेमस एक्टर आके आपके कंपनी को प्रमोट करे, आप क्या करेंगे? अगर वो आपका फेवरेट एक्टर हुआ या वो बहुत फेमस एक्टर है,
आप उस कंपनी पे ज्यादा भरोसा करेंगे ये सोच के कि जब इतना बड़ा एक्टर इसे आपके सामने लेकर आ रहा है, आपके सामने प्रोड्यूस कर रहा है इस प्रोडक्ट को, तो जरूर इस प्रोडक्ट में कोई तो बात होगी भैया, ठीक है। तो हम जाके दुकान में यही बोलेंगे कि हमें वही वाली प्रोडक्ट चाहिए। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में आप देखते हैं ना हर गुड्स को किस तरह से आपके सामने पेश किया जाता है अलग अलग तरीकों से। तो इनटेंजिबल एसेट में ऐसे एसेट आते हैं जो कि हम छूते नहीं है, जिसे हम देख नहीं पाते पर उसकी वैल्यू बहुत है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया एक्टर्स के बारे में जो प्रोड्यूस आपके सामने गुड प्रोड्यूस करते हैं, बताते हैं एडवर्टाइजमेंट में बहुत अलग अलग तरीकों से, तो आप उसके सामने अट्रैक्ट उससे क्या होता है कि आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आप चाहते हैं कि मैं भी वही वाला गुड जाके प्रोडक्ट जाके मार्केट से परचेस करूं। दूसरा ब्रांड, पेटेंट, कॉपीराइट। जैसे कि एक सिंगर ने गाना गाया तो उसके ऊपर सबसे पहले लगा देते हैं कॉपीराइट, ताकि मेरे इस गाने को कोई और अपना गाना बता के मार्केट में ना आ सके, ठीक है। ब्रांड वैल्यू, ब्रांड वैल्यू जैसे कि हम बात कर लेते कपड़ों की, ली कूपर, यूएसपीए, फ्लाइंग मशीन, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जिनसे कि हम कंपनी के नाम से प्रभावित होके वो गुड ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस कंपनी ने ये पहले से प्रूव किया है कि हमारे कपड़ों की क्वालिटी क्या है, अच्छी है, कलर्स नहीं जाएंगे, फटेंगे नहीं, बबल्स नहीं आएंगे। तो हम क्या करते हैं कंपनी के ब्रांड से भी मोहित होते हैं और सामान उस ब्रांड का ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं। तो ये ऐसी संपत्ति हुई जो कि हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा तो रही है लेकिन हम उसे देख या छू नहीं पा रहे हैं। इसमें एग्जाम्पल में आ जाते हैं हमारे ब्रांडिंग, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है CWIP, यानी कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब ये क्या चीज होती है? वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि जो हमारा काम अभी चल रहा है पूरा नहीं हुआ। जैसे कि अगर आपकी कंपनी के पास एक सेपरेट ऑफिस है, ठीक है, वो भी आपके एसेट में आ गया क्योंकि वो ऑफिस आपको कई सालों तक सर्व करने वाला है, लेकिन ऐसे चीजों को हम कहां लिखे जो कि अभी तक हमारे एसेट में पूरी तरह शामिल नहीं हो पाया। सपोज एक ऑफिस, हम नई ऑफिस मेन मार्केट में हम बना रहे हैं, ठीक है, तो अब जब तक वो पूरी तरह बन नहीं जाती तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वो मेरा एसेट है, पर हम उसमें पैसे तो लगा रहे हैं, तो इसका हिसाब तो हमें बिजनेस में रखना ही पड़ेगा कि भाई ये पैसे मेरे कहां जा रहे हैं, ठीक है। तो वो तो वो ऑफिस बनाने के लिए जो हमें ब्रिक्स की जरूरत पड़ रही है, हमें सीमेंट की जरूरत पड़ रही है, ये सब हिसाब भी हम लिखते हैं किसके अंदर? अंडर द हेड CWIP, यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और एक एग्जांपल देती हूँ आपको CWIP यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का। बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको ये टर्म याद हो जाए, ठीक है। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, सपोज सरकार, हमारी गवर्नमेंट एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगा रही है, ठीक है। अब वो तब तक गवर्नमेंट के एसेट में नहीं जाएगी, तब तक वो सरकारी संपत्ति पूरी तरह नहीं कह पाएंगे हम उसको, जब तक कि वो पूरी तरह बन नहीं जाती है। लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट तो हमें नोट करना पड़ेगा। ये कॉस्ट जो हम थर्मल पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें हमें टावर्स लगेंगे, ट्रांसमिशन लाइन लगेंगी, टर्बाइन एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत कुछ लगेगा, ये सब जो कॉस्ट जो है हमारे ऐसे एसेट जो अभी बन रहे हैं, इन एसेट का कॉस्ट हम लिखेंगे अंडर द हेड CWIP। होप आप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट आ गया हमारा इनटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। इनटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट यानी कि सपोज जो हमारा थर्मल पावर प्रोजेक्ट बन रहा था, इसके पीछे बहुत सारे लेबर्स लगेंगे, इंजीनियर्स लगेंगे और भी बहुत सारे लोग लगेंगे, तो ये लोग जो है हमारे इनटैंजिबल एसेट हुए अंडर डेवलपमेंट, जो कि हमारे डेवलपमेंट में हमारा साथ दे रहे हैं। तो ये जो हम वेजेस पे करेंगे, सैलरीज पे करेंगे, ये कहां लिखेंगे? ये लिखेंगे अंडर द हेड इनटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये दोनों क्लियर हुआ मेरे ख्याल से, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस
यानी कि ऐसी कैपिटल, उन सब का लेखा जोखा जो एसेट हमारा अभी बन रहा है, जिसमें हम उन चीजों को लिखेंगे जो कि हमारे एसेट प्रोडक्शन में काम आ रही है, ठीक है। और इनटेंजिबल एसेट के अंदर हम उन सैलरीज, वेजेस, इन सब को लिखेंगे जो कि अभी तो हमारा एसेट नहीं है। पर एसेट का कॉस्ट क्या होता है एक्चुअली, जब पूरा एसेट हम किसी भी प्रोडक्ट को बेचते हैं अगर मार्केट में, तो क्या हमने सिर्फ जो रॉ मटेरियल मंगाया था उसका दाम होता है? नहीं, उसमें वो भी कॉस्ट मिले हुए थे जो कि हम अपने एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को देते हैं। वो सारे कॉस्ट को मिला के हम उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होता है वो डिसाइड करते हैं। उसी तरह से इनटेंजिबल एसेट के अंदर हम जो अपने एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को, लेबर्स को, इंजीनियर्स को, आर्किटेक्ट को, जो भी वेजेस, सैलरी एक्सेट्रा ये सब पे करते हैं, वो सारे इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट हेड के अंदर आता है। दूसरा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट का मतलब ही जो हम पे करेंगे या जो हम यूज करेंगे मोर देन वन ईयर। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब हम ऐसे जगह में हमने ऐसी इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा लगाया है जो कि एक साल के अंदर हमें रिटर्न नहीं देगा, वो हमें आगे आने वाले फ्यूचर में हमें रिटर्न देगा। जैसे कि हमने एक लैंड खरीद लिया, ठीक है, हमने एक लैंड खरीद लिया, तो आज अगर एक लैंड हम 5 लाख रुपीज में खरीदते हैं तो 5 साल बाद क्या होगा, उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाएगी, है ना। तो ये हमें फ्यूचर में पे करेगा, ये रिटर्न हमें कब देगा, फ्यूचर में देगा, मोर देन वन ईयर के बाद देगा। तो हम नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में लिखेंगे जो कि हमें एक साल और उससे ज्यादा के बाद हमें रिटर्न पे करेगा। जैसे कि हमने लैंड में इन्वेस्ट कर दिया, हमने और कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिल्डिंग हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आ जाता है हमारा डिफर्ड टैक्स एसेट। डिफर्ड टैक्स एसेट, इसमें टर्म आ रहा है टैक्स, यानी कि ये टैक्स से रिलेटेड है। डिफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है, जब हमारा टैक्स पेबल जो है मोर देन 10,000 बनता है अगर, ठीक है, मतलब हमारा जो ईयरली टर्नओवर है, अगर हमें टैक्स जो है वो 10,000 से ज्यादा पे करना है, तो गवर्नमेंट ये कहती है, ऐसा रूल है कि हमें क्वार्टरली एडवांस टैक्स पे करना होता है, ठीक है। हर क्वार्टर में हमें टैक्स एडवांस में देना होता है, एडवांस टैक्स पे करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि मेरे टैक्स इस बार बनने वाले हैं 25,000 रुपीज, ठीक है, पर ईयर के एंड में आपने क्या किया, 25,000 रुपीज सोच के एडवांस टैक्स आप दे दिए, ठीक है, लेकिन ईयर के एंड में आपको पता चला कि मेरा टैक्स तो 20,000 रुपीज बना था, ठीक है, तो ये 5,000 रुपीज क्या हो गया, हमने एक्स्ट्रा पे कर दिए। ये डिफरेंस आया ना, 25,000 हमने एडवांस पे कर दिया था पर एक्चुअल हमारा टैक्स बना 20,000, तो ये जो डिफरेंस आया 5,000 रुपीज, इसी को हम कहते हैं डिफर्ड टैक्स। और ये एसेट क्यों है, क्योंकि हमने ज्यादा पे करके रखा है, मतलब अभी सरकार के पास क्या है कि ये 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा हमने दे रखे हैं कि अगले साल हम जब हम टैक्स कैलकुलेट करके और टैक्स पे करेंगे तो उसमें से 5,000 रुपीज हमने कम देना है। क्यों, क्योंकि ये हमने पहले से ही दे रखा है। तो ये हो जाता है हमारा डिफर्ड टैक्स एसेट, ठीक है, जो टैक्स का डिफरेंस है अगर हमने ज्यादा पे कर रखा है तो हो जाता है हमारा डिफर्ड टैक्स एसेट। दूसरा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है, एसेट के अंदर कैसे आ गए लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का क्या मतलब होता है। सपोज हमारा बैंकिंग बिजनेस है, ठीक है, हमने लोन दे रखा है, हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, सपोज हमने हाउसिंग लोन दे रखा है 5 इयर्स के लिए, ठीक है। पहली बात ये आता है नॉन करंट, इसका मतलब ऑब्वियसली ये 1 ईयर से ज्यादा का ही होना चाहिए। सपोज हमने 5 ईयर का हाउसिंग लोन दे रखा है, ठीक है, तो अब क्या होगा, हमने अगर लोन या एडवांस किसी को दे रखा है तो ये हो जाएगा हमारा एसेट। क्यों, क्योंकि ये तो मुझे वापस मिलने वाला है ना, ये तो हमें इंटरेस्ट के साथ भी मिलेगा, क्योंकि जो हमें बैंक लोन देती है वो फ्री में तो देती नहीं है, हमें उसके साथ जो हमने पैसे लिए होते हैं बैंक से, हमें इंटरेस्ट के साथ उसे लौटाना होता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर ऐसे लोन्स और एडवांसेस आते हैं जो कि हमने
हमारी बिजनेस ने किसी को दे रखा है और वो पैसे हमें मिलने वाले हैं, तो ये आ जाएगा हमारा एसेट के अंदर। ठीक है, ये अभी मैं इसलिए बता रही, छोटा सा डिफरेंस बता देती हूँ। अगर ठीक इसके अपोजिट हो जाए कि हमने लोन लिया है, ठीक है, और हमें उसे चुकाना है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे ऊपर उधार है ना, हमें उसे चुकाना है, तो ये लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस तो रहेंगे पर लाइबिलिटी हो जाएगी। तो सिंपल सा एक डिफरेंस बता देती हूँ जो मैं यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ कि लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एसेट में भी आता है और लाइबिलिटीज में भी आता है। एसेट में कब आता है, जब लोन हमने किसी को दिया है या एडवांस हमने किसी को दिया है। लाइबिलिटी में कब आएगा, जब हमें उस लोन या एडवांस को रीपे करना है तो वो लाइबिलिटी में आ जाएगा। अगर हमने किसी को दिया है लोन तो एसेट, अगर हमें लोन चुकाना है तो लाइबिलिटी। ठीक है, अदर्स, इन सारी चीजों को छोड़ के अगर और भी ऐसा कोई हेड आता है जो इन चारों हेड के अंदर नहीं आता है तो हम उसे अदर्स में डाल देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हमारे LIC जो है ना, LIC हमारी टर्म पूरी हो गई, हमने LIC का सरेंडर वैल्यू हमने दे दिया, LIC अपना सरेंडर कर दिया, तो ये हमारे अदर्स में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल सरेंडर वैल्यू ऑफ LIC। ओके, अब आ जाते हैं हम अपने सेकेंड कैटेगरी की तरफ, करंट एसेट्स। करंट एसेट यानी कि ऐसे एसेट जो विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक, जैसे कि हमने बिस्किट फैक्ट्री वाले में एग्जाम्पल दिया था कि हमारे जो बिस्किट के पैकेट मैन्युफैक्चर होके रखे हुए हैं वो विद इन अ ईयर बिक जाएंगे और हमें हमारे पैसे मिल जाएंगे। जैसे कि डेटर्स यानी कि जो हमें पैसे देने वाले हैं, मतलब जिन्होंने हमसे सामान तो ले लिया है पर अभी तक पैसे उन्होंने नहीं चुकाया है, जो हमें पैसे चुकाने वाले हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, हम डिटेल में आते हैं। तो करंट एसेट के अंदर आ जाता है सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ऐसी जगह हमारी इन्वेस्टमेंट है, ऐसे जगह हमने अपने पैसे लगा रखे हैं जो कि एक साल के अंदर हम जिसे वापस मनी के रूप में पा सकते हैं। जैसे कि स्टॉक इन्वेंटरीज, वैसे ही जो मैन्युफैक्चर्ड हमारे स्टॉक जो रखे हुए हैं, हमारे गुड्स जो मैन्युफैक्चर होके रखे हुए हैं जो कि बिकने के लिए तैयार है और मार्केट में जाएंगे, बिकेंगे और विद इन अ ईयर हमें उसके पैसे मिल जाएंगे। दूसरे प्रीपेड लाइबिलिटीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, बहुत क्लियरली समझाने वाली हूँ प्रीपेड लाइबिलिटीज। अब ये लाइबिलिटी असेट के अंदर कहां से आ गया भाई, तो समझते हैं। प्रीपेड मतलब पहले से दिया हुआ, लाइबिलिटी मतलब उधार, जो हमने देना था, जो हमें पे करना था वो हमने क्या किया, पहले पे कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ऑफिस जो है वो रेंटेड है, मैं उस ऑफिस के हर महीने पैसे चुकाती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसे 6 महीने के पैसे एडवांस में दे दूंगी कि भाई तू और 6 महीने के पैसे एडवांस में ले जा। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो ऑफिस पक्का है कि 6 महीने तक तो मैं यूज कर सकती हूँ, वो मेरा एसेट बन गया ना, क्योंकि मैंने उसको पहले से पैसे दे रखे हैं। इसका मतलब ये है कि अब मेरा हक है कि मैं 6 महीने तक ये ऑफिस यूज कर सकती हूँ। तो प्रीपेड लाइबिलिटी जो है ना, ये हमारे करंट एसेट के अंदर में आ जाता है अंडर द हेड करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद में आ जाता है हमारा इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज मतलब ऐसी चीजें जो कि हमारे बिजनेस में रखी है जिसे कि हम बेचेंगे और विद इन अ ईयर हम उसे बेच के अपना मुनाफा कमा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल वही सेम फिनिश गुड्स जो रखा हुआ रहता है, ठीक है, जो फिनिश गुड्स है हमारे वो हम बेचेंगे, हमें पैसे मिल जाएंगे। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ फिनिश्ड गुड्स हो, जो कि रॉ मटेरियल हमारे बिजनेस में पड़े हैं, हमारे कंपनी में पड़े हैं, जो वर्क इन प्रोग्रेस, जिस पार्ट के संग हम, जो जिन रॉ मटेरियल के संग या जिस पार्ट के संग हम काम कर रहे हैं, जो हमारा अभी गुड मैन्युफैक्चर हो रहा है, इन प्रोसेस है, वो भी हमारे इन्वेंट्रीज के अंदर आ जाता है। तीसरा ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल मतलब रिसीव होगा, क्या रिसीव होगा, पैसे हमें रिसीव होने वाले हैं। तो जैसे डेटर्स, जैसे अभी हमने बताया था डेटर्स यानी कि जो हमसे सामान ले गए हैं। फॉर एग्जांपल मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है, अब मैन्युफैक्चरर से
कहाँ जाता सामान? होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास, रिटेलर से कंज्यूमर के पास, है ना। तो सपोज मैंने मैन्युफैक्चर किए, होलसेलर मुझसे सामान ले गया है और उसने कहा है कि 10 दिन के बाद मैं आपको इसकी पेमेंट कर दूंगा, तो वो क्या होगा, वो पैसे मुझे 10 दिन के बाद मिलेंगे, तो ये अमाउंट हम किसके अंदर लिखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर में लिखेंगे। तीसरा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब हमें जो हम एसेट खरीद लेते हैं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर खरीद सकते हैं, इससे काम चलेगा, इसके अलावा भी और पैसे लगेंगे, क्योंकि बिजनेस में क्या हो रहा है कि रोज काम हो रहा है, रोज रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, रोज गुड मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, रोज हमारा ट्रक एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है गुड्स लेकर, तो अब हमें और भी पैसे चाहिए, है ना, और भी पैसे हमें चाहिए ताकि हमारा जो काम है डेली का चलता रहे। जैसे कि हमारे घर में रोज दूध आता है, रोज सब्जी आता है, तो दूध वाले को तो हम शायद महीने में एक बार दे देते हैं, सब्जी तो जब हम जाते हैं हर एक दो दिन के डिफरेंस में, तो हमें तभी तुरंत पैसे लेके दे के सब्जी लानी होती है। उसी तरह से कैश भी हमें बिजनेस में चाहिए रहता है ताकि हम अपनी डे टू डे जो भी हमारी एक्टिविटीज है उसे हम कर पाए। अब और एक बात है कि अगर हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए हमने लोन के लिए अप्लाई किया है, सपोज मुझे एक मशीनरी लेनी है 25 लाख की, ठीक है, अब हम गए बैंक वाले के पास कि भैया मुझे ये मशीनरी खरीदनी है, मुझे 25 लाख रुपीज का लोन चाहिए। अब बैंक वाले क्या करेंगे, वो थोड़ा सा आपसे टाइम मांगेंगे, ठीक है, ताकि वो अपने फॉर्मेलिटीज पूरी करें, उसके बाद वो आपको पैसा देते हैं, तुरंत पैसा नहीं देते। लेकिन आपके लिए क्या फायदेमंद है कि जितनी जल्दी वो मशीनरी आपके बिजनेस में आएगी, आपका मैन्युफैक्चर करने की जो आपकी क्षमता है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके लिए क्या करेंगे कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे, हम क्या करेंगे, RBI कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल और अदर शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड जो है ना, ये सारे इश्यू करती है। इनका काम क्या है कि जब तक हम, अगर बैंक ने अप्रूव कर दिया कि ठीक है भाई हम तुम्हें पैसे देंगे, पर हम आपको ये पैसे एक महीने के बाद दे सकेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तब हम जाएंगे इनकी मदद लेने। ये होते हैं शॉर्ट, ये जो कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल या शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड जो होते हैं, ये हमें पैसे देते हैं और तुरंत शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं, 3 महीने के आसपास की इनकी टाइम लिमिट होती है, उसके अंदर जब तक हमें बैंक से पैसे मिलेंगे, हम क्या करेंगे कि हम कॉमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल ये सब की मदद से हम फंड रेज करेंगे, ठीक है। ये कौन इशू करता है, RBI इशू करता है, ठीक है, इसका मतलब है जब तक आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं तब तक आप इनके हेल्प से फंड रेज कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस मतलब साफ है करंट एसेट के अंदर में आ रहा है, इसका मतलब कि विद इन अ ईयर हमने किसी को ऐसा लोन दिया है। एसेट का मतलब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर हमने किसी को लोन दिया है तो वो हमारा एसेट है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस का मतलब है कि हमने ऐसे कोई लोन या एडवांसेस दिए हैं जो कि हमें एक साल के अंदर ही हमें रीपे हो जाने वाले हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने अपने स्टाफ कोई, अपने बिजनेस के किसी स्टाफ को, एम्प्लॉय को ही अपने लोन दे रखा है जिसने आपको प्रॉमिस किया है कि वो एक साल के अंदर 6 महीने 9 महीने कभी वो आपको रिपे कर देगा, और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं इसके अंदर। अच्छा, अदर्स, अब इन 1 2 3 4 5 इन 5 हेड के अंदर जो नहीं आ पाए वो सारी चीजें आ जाती है अदर्स के अंदर, जैसे कि पेटी कैश। अब हम आ जाते हैं लाइबिलिटीज पे। लाइबिलिटी मतलब जो हम पे उधार है, हमारा ऋण है, इसको भी हम क्लासिफाई करते हैं 2 टाइप्स में, नॉन करंट एंड करंट। नॉन करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती है जिन्हें हमें पे करना होता है पर उसकी पेमेंट पीरियड जो है मोर देन 1 ईयर होती है, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटीज ऐसी लाइबिलिटीज है जिनकी पेमेंट हम 1 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड में करते हैं। करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटीज है जिनकी पेमेंट हम विद इन अ ईयर कर देते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन नॉन करंट लाइबिलिटीज की। नॉन करंट लाइबिलिटीज यानी कि ऐसी लाइबिलिटीज जिन्हें हम पे करेंगे इन द पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर। सबसे पहले आ जाता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मतलब जो हमने पैसे उधार लिए हैं,
अपने दोस्तों से हो सकता है, अपने रिलेटिव से हो सकता है, बैंक से हो सकता है, ठीक है। अगर हम उसको पे कर रहे हैं मोर देन वन ईयर, मतलब एक साल से ज्यादा ड्यूरेशन में हम उसे पे कर रहे हैं, तो उसे हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर में लिख सकते हैं। या एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, जो भी हम बैंक से लेते हैं, वो अगर हमने 5 इयर्स के लिए लिया है, 10 इयर्स के लिए लिया है, मतलब एक साल से ज्यादा के लिए लिया है, तो हम एक साल से ज्यादा उसको पे करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर। नेक्स्ट, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी मतलब जब हम एडवांस टैक्स पे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा एडवांस टैक्स 20,000, हमने सोचा कि हमारा टैक्स 20,000 रुपीज बनेगा और हमने 20,000 रुपीज एडवांस टैक्स पे कर दिया, पर एट द एंड ऑफ द ईयर हमने देखा कि हमारा टैक्स बनकर आया है 25,000, ठीक है, हमारा टैक्स बनकर आया है 25,000। अब क्या होगा कि ये 5,000 रुपीज जो है हमें और भी पे करने होंगे, है ना, बाद में ये 5,000 रुपीज हमें और भी पे करने होंगे, तो ये क्या है, हमारी लाइबिलिटी हो गई, क्योंकि अब हमारी जिम्मेदारी है, हम पर उधार है कि हम गवर्नमेंट को ये टैक्स दे दें। इसलिए डेफर्ड टैक्स का मतलब ये जो डिफरेंस आता है ना टैक्स में, टैक्स के पेमेंट में, इसे हम कहते हैं डेफर्ड टैक्स। यहाँ पे ये लाइबिलिटी क्यों है, क्योंकि ये हमने कम दी है, ये हमें और पे करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। प्रोविजंस, हम कुछ पैसा जो है ना वो प्रोविजन के अंदर रखते हैं, क्यों, इसलिए रखते हैं कि कभी कोई ऐसी चीज हो सकती है, कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जो कि अननोन है, जो कि सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है, जबकि हमें पैसों की अचानक जरूरत पड़ जाए, ठीक है। या तो जैसे कि आ गए हमारा रिपेयर एंड रिन्यूअल्स वाले, देख लेते हैं, हो सकता है कि किसी मशीन की लाइफ 5 ईयर है, लेकिन 2 साल के बाद हमने देखा कि उसमें थोड़ा सा रिपेयर कराने की जरूरत है, उसमें कुछ रिन्यू कराने की जरूरत है, उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, तो वो क्या होता है कि हम प्रोविजन के अंदर जमा करते जाते हैं, ठीक है, तो वो रिपेयर एंड रिन्यूअल। जैसे डेप्रिसिएशन, अगर एक मशीन की लाइफ 10 ईयर है, तो उसका डेप्रिसिएशन जो है ना, हम एक बार के अंदर नहीं लिखते हैं, हर साल थोड़ा थोड़ा डेप्रिसिएशन हम अकाउंट्स में शो करते हैं, तो ये आ जाता है हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर। अदर्स, जो भी ये सारे हेड में नहीं आते वो आ जाएंगे हमारे अदर्स के अंदर, तो ठीक है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज के क्या क्या क्लासिफिकेशन हो गए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड अदर्स, ओके। लाइबिलिटीज की सेकेंड कैटेगरी है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी मतलब ऐसे पेमेंट जो हमें करने हैं विद इन अ ईयर। इनके अंदर में क्या क्या आता है चलिए देखते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ऐसी बोरोइंग्स जो हमने लिए हैं 1 साल से कम समय के लिए, ठीक है, जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया कॉमर्शियल पेपर, शॉर्ट टर्म बॉन्ड, ये सारे क्या होते हैं कि कुछ मंथ्स के लिए होते हैं, बहुत कम ही टाइम पीरियड के लिए होते हैं, जो कि हमें पे करना होता है विद इन अ ईयर, ठीक है, तो ये सारे हमारे आगे शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर। पेडे लोन्स, पेडे लोन्स क्या होते हैं कि हमें कई बार अचानक से पैसों की जरूरत होती है, अगर हम एक रेंटेड घर में रहते हैं और हमें अचानक कहा गया कि हमें आप रेंट दे दीजिए, और भी जो वर्कर है उन्होंने कहा कि हमारी सैलरी भी दे दीजिए, और हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम पेडे लोन्स लेते हैं, जो कि बहुत हाई इंटरेस्ट पे मिलता है 7 to 14 days के लिए। ये भी हमारा आ जाता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, मतलब ये जो भी हम अमाउंट बोरो कर रहे हैं वो हमें पे करना होता है 1 साल के अंदर विद इन अ ईयर। नेक्स्ट, ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स मतलब जो पैसे हमें पे कर रहे हैं, ठीक है, हमने गुड्स खरीद लिया है पर अभी तक पैसे पे नहीं किए हैं हमने, तो वो हम बहुत जल्द करेंगे, एक टाइम पीरियड के अंदर हम उन्हें प्रॉमिस करते हैं कि हम इसके अंदर पे कर देंगे, और उस विद इन फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स हम वो जल्दी से जल्दी अपना अमाउंट क्लियर कर देते हैं, तो वो आ जाता है ट्रेड पेबल। जैसे कि यहाँ लिखा है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जो जिन्होंने हमें उधार दे रखा है, जिन्हें हमें पैसे देने होते हैं, वो होते हैं क्रेडिटर्स। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, वापस प्रोविजन क्या होता है कि ये हम कुछ पैसे सेव करके रखते हैं ताकि वो जरूरत के समय अचानक से काम आ जाए, या अगर किसी तरह का लॉस हो जाए तो उसके कारण हमें घाटा ना हो जाए, हम कुछ पैसे अगर सेविंग में रखते हैं और अगर हमें
कभी थोड़ा बहुत लॉस हो गया तो हमारी कंपनी में बहुत बड़ा कोई इफेक्ट ना पड़े, जैसे कि डाउटफुल डेट्स, मतलब ऐसे पैसे जिनके ऊपर अभी हमें डाउट है कि वो पैसे हमें मिलेंगे या ना मिलेंगे। जैसे कि डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कभी कभी क्या होता है कि पैसे जल्दी लेने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं कि आप अगर पैसे हमें 10 दिन के अंदर दे देंगे तो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। सपोज 10,000 का बिल उन्हें पे करना था, हमने कहा कि आप 10 दिन के अंदर दे दोगे तो आप एक काम करना 9,500 पे कर देना, तो ये 500 रुपीज का हो गया, ये हमारा डिस्काउंट हो गया, है ना। तो लेकिन फायदा क्या हुआ कि ये पैसे हमें जल्दी मिल गए, तो ये डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी आ जाता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर। इन सारे हेड के अंदर जो नहीं आएगा वो आ जाएगा हमारा अदर्स के अंदर, ठीक है। तो इन अ समरी आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा एसेट और लाइबिलिटीज का क्लासिफिकेशन, और मैंने स्टार्टिंग में आपको कैपिटल के बारे में भी थोड़ा सा बताया था, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी क्या होता है, ऐसे एसेट जिनके ऊपर कंपनी के ओनर का हक होता है। ओनर इक्विटी के अंदर दो हेड आते हैं, कैपिटल एंड रिजर्व्स। कैपिटल मतलब जो इन्वेस्टमेंट ओनर ने बिजनेस में कर रखी है, जो पैसा लगा रखा है वो हो जाता है कैपिटल। और दूसरा रिजर्व के अंदर हम वो अमाउंट लिखते हैं जो कि प्रॉफिट हमारी कंपनी ने बनाया है, उस प्रॉफिट से हमने सारे जो भी हमारी लाइबिलिटीज थे वो हमने पे कर दिए, हमने अपने डिविडेंड भी बंटवा दिए, जो हमने इंटरेस्ट देना था वो सारे देने के बाद एक्चुअली जो हमारा प्रॉफिट बचता है, जो जिसमें अब कोई पार्टीशन नहीं है, उससे हमें और किसी को पे नहीं करना है, सब कुछ पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें वो हम क्या करते हैं कि वापस हम रख देते हैं अपनी कंपनी में, ताकि वो पैसा बढ़ जाए, हमारी कैपिटल बढ़ जाए और हम उन पैसों को दोबारा इस्तेमाल करें अपने कंपनी के प्रोग्रेस के लिए, हमारे गुड्स या सर्विस के मैन्युफैक्चर के लिए, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारे रिजर्व के अंदर, जिसे हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग के नाम से भी जानते हैं। आज का हमारा वीडियो था बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग, जो कि और भी पार्ट्स में आएगा, और भी टर्म्स मैं आपके संग शेयर करूंगी। और हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।